हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो आज हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हाउ टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। सो स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पहले से ड्रॉ कर रखी है लाइक दिस, और उस पर इंचेस यानी कि इंच के थ्रू मार्किंग करनी है। जैसे कि मैंने पॉइंट बना रखा है, मैं उसे डार्क कर देता हूँ लाइक दिस, और उसे नंबरिंग के थ्रू लिखना है लाइक 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसे बनाने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स का आने पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पहला पॉइंट आता है पाइथागोरस थ्योरम। इसी के थ्रू हम स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आइए पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। सो जो पाइथागोरस थ्योरम है, उसका थ्योरम है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो इसमें हमें फर्स्ट p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और देन b की वैल्यू। सो हमें कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है p और b की, जिसको जिसका स्क्वायर करने पे और देन ऐड करने पे जो h की वैल्यू है वो आनी चाहिए स्क्वायर रूट 5। यानी जो p और b को प्लस करने पे और देन उसका स्क्वायर रूट करने पे जो वैल्यू आए वो आए 5। सो आइए नंबर फाइंड करते हैं। चलिए हम कोई नंबर लेते हैं जैसे कि 2 एंड 1, लेट्स चेक इट। देन अगर हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू हम लेट करेंगे 2, सो हम 2 का स्क्वायर प्लस देन बी की वैल्यू हम लेट करेंगे 1, सो 1 का स्क्वायर। देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5। Then h is equal to square root 5. Why? क्यों? क्योंकि जो h पे जो square है, यानी कि ये 2, जिसे हम square कहते हैं, जब वो right side shift होगा, तो वो square root में convert हो जाएगा। So जैसा कि हमने देखा कि h की value क्या आ गई, square root 5। यानी कि जो हमने p की value 2 ली और b की value 1 ली, वो बिल्कुल correct था। सो अब थ्रू दिस नंबर, इसी नंबर के बेसिस पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आइए नंबर लाइन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमें नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्शन 2 से स्टार्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने p की वैल्यू फाइंड की वो 2 थी, और जो नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सो दिस वन इज द लाइन जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, वो 2 पे बनेगी। सो हमें सबसे पहले हमें अब यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन। सो उसे ड्रॉ करने के लिए हमें एक कंपास की जरूरत होगी। सो कंपास से हम 2 पर रखेंगे और एक स्मॉल सा आर्क बनाएंगे लाइक दिस, और उस पर एक 2 स्मॉल कट्स लेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, जिससे कि हमें एक लाइन मिल जाए। और यहाँ पर इसे हमें जो लाइन मिली वो थी ये, जो मैंने पहले से ड्रॉ कर ली थी। एंड देन अगेन हमें कंपास लेना है, और जो हमने 1 इंच का गैप लिया था ऑन नंबर लाइन, उस गैप को मेजर करना है थ्रू कंपास, और 2 पर पॉइंट करके हमें एक कट लेना है, जो कि मैंने यहां पर लिया है। और जो पॉइंट हमें मिलेगा, उस पॉइंट को हमें फ्रॉम 0 टू ज्वाइन करना है, फ्रॉम 0 ज्वाइन करना है लाइक दिस। अब ये हमारा एक बनता है राइट एंगल ट्राइंगल, जो मैंने यहां पर शो किया था। और देन h की, इसे हम कहेंगे h यानी हाइपोटेनियस, दिस इज p यानी परपेंडिकुलर, और दिस इज b यानी बेस। और हमने वैल्यू क्या फाइंड की थी p की वैल्यू हमने ली थी 2, सो हमें यहां लिखना है 2, और हमने b की वैल्यू ली थी 1, सो हमें यहां लिखना है 1, और देन हमने h की वैल्यू क्या फाइंड की थी यहां पर 5, यानी स्क्वायर रूट 5 हम यहां पर लिखेंगे। अब हमें स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। सो इसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें कंपास की जरूरत दोबारा पड़ेगी, और फ्रॉम 0 टू जो पॉइंट हमने 2 पे ड्रॉ किया था वहां तक मेजर करना है थ्रू कंपास, एंड देन हमें पॉइंट करना है 0 पे,
और वहां से एक लाइन खींचनी है जो कि हमें एक पॉइंट देगा ऑन नंबर लाइन। सो ये मिली है हमें पॉइंट ऑन नंबर लाइन, सो इसी को कहेंगे हम स्क्वायर रूट 5। सो हमारा क्वेश्चन होता है डन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इफ यू आर न्यू सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।